गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड. टुडे वी हैव डिस्कस डू प्लांट मूव इन साइंस. प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट दे मूव देयर बॉडीज पार्ट. मेनी प्लांट्स फोल्ड अप देयर लीव्स व्हेन द सन सेट. तो जो प्लांट होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, लेकिन उनका बॉडी पार्ट जो होता है वो मूव करता है. कुछ प्लांट अपनी पत्तियां सूरज डूबने पर फोल्ड कर देते हैं. द टच मी नॉट प्लांट क्लोजेस इट्स लीव्स व्हेन टच. और टच मी प्लांट जो होता है, टच मी नॉट प्लांट या छुई मुई जिसे कहते हैं, वो प्लांट की पत्ती जो है टच करने पर अपने आप क्लोज हो जाती है. सनफ्लावर का जो प्लांट है, द फ्लावर मूव टू डायरेक्शन ऑफ द सन. तो उसी डायरेक्शन, सन की डायरेक्शन में फ्लावर मूव करता रहता है. लिविंग थिंग्स नीड ए सुटेबल प्लेस टू लिव. ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू सुटेबल प्लेस टू लिव. सभी लिविंग थिंग्स को जीने के लिए या रहने के लिए सही स्थान चाहिए. कोकोनट ट्रीज फॉर एग्जाम्पल ग्रो इन वार्म रीजन क्लोज टू द सी. कोकोनट का जो पौधा होता है वो वार्म रीजन में और सी के पास उगता है. एप्पल ट्री जो होता है वो कोल्ड रीजन में उगता है. वाइल्ड एसेस लिव इन ड्राई डिजर्ट वेयर एज चीताज लिव इन वार्म ओपन ग्रासलैंड. तो जो वाइल्ड एसेस हैं वो ड्राई डिजर्ट में पाए जाते हैं. एंड वेयर द चीताज लिव इन वार्म ओपन ग्रासलैंड. और जो चीता है वो ओपन ग्रासलैंड में या घास के मैदानों में, गर्म घास के मैदानों में पाया जाता है. पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स एंड पेंगुइन्स, ये सभी कोल्ड पोलर रीजन पर पाए जाते हैं. सम एनिमल्स सच एज स्पैरो क्रोज इन लिव एवरीवेयर. लेकिन कुछ एनिमल्स जैसे गौरैया है, कौवा है, ये सब हर जगह पाए जाते हैं. लिविंग थिंग्स ग्रोज प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम. प्लांट जो ग्रो होते हैं वो लाइफ टाइम तक ग्रो रहते हैं. एनिमल्स ग्रो इन साइज ओनली ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स. एनिमल्स जितने हैं वो उनकी साइज जो है लगातार क्या होती है, बढ़ती रहती है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो बढ़ते नहीं हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोन, बुक्स एंड टॉयज डू नॉट ग्रो. जिसमें पत्थर है, बुक्स है और ट्वाइस है, ये सब ग्रो नहीं करते हैं. डिड यू नो ए बटरफ्लाई डेवलप्स इनसाइड द स्ट्रक्चर कॉल्ड प्यूपा. बटरफ्लाई का जो स्ट्रक्चर होता है उसे प्यूपा कहते हैं. इट कम्स आउट टू द आउट द प्यूपा एज ए फुली ग्रोन बटरफ्लाई. उसी से एक बड़ा बटरफ्लाई बन, प्यूपा से ही बड़ा बटरफ्लाई बनता है या तितली बनती है. एंड डज नॉट ग्रो इन साइज आफ्टर दैट. उसके बाद वो ग्रो, बट बड़ी बटरफ्लाई बनने के बाद फिर वो ग्रो नहीं करती है. थैंक यू स्टूडेंट.